साधु सर्वप लायन सा सबको लायन सा साके संग सुहना सत नति उन्मा साके संग मनुष्य सा ब्रह्म के निको है सुपला ब्रह्म के सुपला ब्रह्म के सुधार नाम ब्रह्म के बिल्कुल ठीक अपने चित्र बरगा बनाए अपने जीवन का बनाए उस बोरंग है रूप रंग पे प्रकार साथ के संग बेगुबा नानक यो तनसार हरी संजना मिल करूं विचार एक सम नाम धार और थोड़ा कर माइक का से या माइक से माइक नहीं है नहीं तमाम सिख बरादरी खासकर दीदारपुरा के सिख बरादरी को दिल की उम्मीद गहराइयों से दुनिया के लिए खुशी और अमन का सबब बने। हम यहाँ पर आज से आज हम लोग दीदारपुरा के सिख बरादरी की खुशियों में थैंक यू रहेंगे। आज का आने का मुद्दा और मकसद ये था कि हम आज इस खुशी के मौके पे, इस त्यौहार के मौके पे आके अपनी सिख बरादरी के साथ दो चार पल गुजारें, उनकी खुशियों का इजाफा करने की कोशिश करें। जी सबसे पहले आदाब, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो आज हमारा मुकद्दस पावन दिन है बैसाखी का, जो 1699 में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो खालसा पंथ की साजना की थी, जो आज ही के दिन की थी, सो एक तरह आप मान सकते हैं कि आज ही के दिन खालसा का जन्म हुआ था। सो मेरा यही पैगाम है कि सब हम कश्मीर, भारत या पूरी दुनिया के जो लोग हैं, महाराज गुरु नानक देव महाराज की वाणी कहती है, मानस की जात सब एक के पहचान, कि मानस सबसे बड़ा धर्म है, सब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे बड़ा वही धर्म है इस दुनिया में जिसने खुदा के कहे हुए जो उनके जो वचन हैं उन पे जो पैरा देता है, सबसे बड़ा वही मतलब मानस की जात सब एक के पहचान। वो कि सो मनुख है जो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सबसे पहले इंसान है। जब तक कोई मुसलमान, सिख, हिंदू इंसान नहीं बनेगा, वो जितना मर्जी कोई नमाज पढ़ ले, पाठ कर ले, पूजा मंदिरों में कर ले, गिरजाघरों में कर ले, वो अपने आप को बोले कि मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, हिंदू हूँ, वो नहीं। गुरु नानक देव जी बोलते हैं वो कोई ना हिंदू है ना वो सिख है। देखिए बहुत खुशी का दिन है आज, बैसाखी है, तो हमारी जो सरदार बरादरी है, सिख बरादरी है, हमने ये सोचा कि उनके साथ मिल के ये त्यौहार मनाया जाए। इसीलिए हम तमाम लोग, जितने भी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीदे चीदे लीडर हैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हम यहाँ पे आए दीदारपुरा में। सिख बरादरी ने बड़ा अवगत किया, बड़ा सम्मान किया, हम उनका शुक्रगुजार हैं और हमने उनको मुबारकबादी दी और इनकी खुशियों में शामिल हुए। और एक सिग्नल हम यहाँ से भेजना चाह रहे हैं कि हम हर फिरके के, जितने भी अलग अलग फिरकों के लोग हैं, वो आपस में भाई हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम इसी धरती से हमने जन्म लिया है, इसी मिट्टी के हम हैं, चाहे हम सिख हैं, कश्मीरी पंडित हैं, डोगरा हैं, मुसलमान हैं या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम एक हैं। और यही एक मैसेज हम देना चाह रहे थे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हम तमाम सरदार बरादरी को वर्ल्ड ओवर बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं बैसाखी का। देखिए यही एक तरीका है कि जब हम रिश्ते आपस में बनाएंगे, इंटर कम्युनिटी डायलॉग रखेंगे, इंटर कम्युनिटी इंटरेक्शन रखेंगे, आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के खुशी और गम में शामिल होंगे, तो ये दूरियां मिट जाएंगे। और जो लोग हमें बांटना चाह रहे हैं उनको एक ही जवाब देना है कि भाई हम एक ही चमन के फूल हैं, अलग अलग रंग के ज़रूर हैं लेकिन एक ही चमन के हैं। ये जम्मू कश्मीर जो है भाईचारे का एक गहवारा है और इसको हमने कायम रखना है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है क्योंकि बांटने वाले बहुत ताकतवर हैं, बहुत शातिर हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, वाहिगुरु से दुआ करता हूँ कि वो नाकाम हो जाएं और हम कामयाब हो जाएं।